राधे राधे, आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ ग्रेवी वाली तोरी की रेसिपी। ये बिल्कुल जो मैंने अलग ही तरीके से बनाई है, तो उसके लिए मैंने देखिए सबसे पहले फ्रेश तोरी ले ली है, 4 लहसुन की कली ले ली हैं, 2 हरी मिर्च ले ली हैं, 2 छोटे साइज की प्याज और 3 छोटे साइज के टमाटर। आप अपनी सब्जियाँ क्वान्टिटी के हिसाब से रखिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के क्वान्टिटी के हिसाब से। तो ये मैं 2% के हिसाब से बना रही हूँ, तो मैंने उस हिसाब से ली है सब्जियाँ। तो चलिए अब हम सबसे पहले सब्जियों को काट लेते हैं। तो देखिए मैंने तोरियाँ गोल कटिंग कर ली है इस तरीके से, और अब मैं अपने मसालों के लिए तैयार किया है जो टमाटर, प्याज और लहसुन की कली और हरी मिर्च। थोड़ा सा अदरक हो तो अदरक भी डाल सकते हैं, और इसमें भी सारे मसाले ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डाल दिया जीरा, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हींग, नमक स्वाद अनुसार, और अगर आप लाल मिर्च खाते हैं तो लाल मिर्च भी ऐड कर दीजिए इसी में, और ये हल्दी। तो मैंने सारे मसाले इसी में ऐड कर लिए, और इस सबका मैं एक पेस्ट बना लूँगी बारीक बिल्कुल। ये देखिए पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है, इसी तरीके का पेस्ट आपको तैयार करना है। पेस्ट अब हमारा तैयार है, तो अब हम सब्जी को फ्राई करने की तैयारी करते हैं। तो ये मैंने एक फ्राई पैन में थोड़ी सी चिकनाई चढ़ा ली है। अब मैं इसमें सबसे पहले अपनी तोरियों को फ्राई कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसमें उन्हें हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए मैंने तोरियाँ डाल दी हैं, तो अब ये तोरियाँ हमारी चलाते हुए ऐसे फ्राई कर लेंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाएं। तोरियाँ बहुत जल्दी फ्राई होती हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं पकाना है, थोड़े से टाइम में ही ये ट्रांसपेरेंट होने लगेंगी, तो इन्हें निकाल लेना है। एक बार ये सब्जी ज़रूर बना कर देखिए, ये तोरी की बिल्कुल अलग तरीके से बनती है। और ये तोरियाँ बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती हैं, तो घर में बहुत से मेंबर ऐसे होते हैं जो नहीं खाते हैं तोरियाँ, तो आप थोड़े से अलग तरीके से बना कर देखिए, तो क्या पता पसंद आए सबको। ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट हो गई हैं, अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम अपनी सारी तोरियों को निकालेंगे, और ये मैंने अब और तोरियाँ डाल दी हैं। देखिए मैंने सारी तोरियों को अपने को इस तरीके से फ्राई कर लिया है, देखिए सारे कितनी अच्छी लग रही हैं ट्रांसपेरेंट होने के बाद। चलिए अब हम ग्रेवी पकाने के लिए चिकनाई चढ़ाते हैं। ग्रेवी पकाने के लिए चिकनाई आपको ज़्यादा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी तोरियों में भी एक्स्ट्रा चिकनाई हो जाएगी। तो हल्की सी चिकनाई चढ़ाइए और उसमें अपना मसाला छोड़ दीजिए। अब मसाले को बिल्कुल अच्छी तरह से भूनना है जब तक ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। देखिए चिकनाई तो ये नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसमें चिकनाई वैसे ही बहुत कम डाली है। ये मैंने इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है कलर के लिए, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी डाल सकते, लेकिन इससे सब्ज़ी पे कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो अब ये देखिए हमारा मसाला चिकनाई तो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा चिकनाई ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जब ड्राई होने लगेगा तो आपको पता लग जाएगा, और इससे खुशबू भी अच्छी आने लगेगी कि हमारा मसाला भुन गया है। तो उसके बाद हम जब ये मसाला भुन जाएगा, ड्राई हो जाएगा अच्छे से, तो हम उसमें तोरियाँ ऐड कर देंगे सबसे पहले। ये देखिए मसाला हमारा हो गया है, तो अब इसमें हम तोरियाँ मिक्स कर देंगे। अब तोरियों को अच्छे से मिक्स करते हुए चलाते हुए मिक्स करेंगे, जिससे कि सारा मसाला अच्छे से इनमें मिक्स हो जाए। उसके बाद हम फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने मसाले वाली कटोरी में ही पानी थोड़ा सा ऐड कर दिया है इसमें, जिससे कि हमारा मसाला जो कटोरी में लगा हुआ था एक्स्ट्रा, वो भी हमारी सब्ज़ी में ही यूज हो गया। तो अब ये चलाते हुए इस तरीके से इसको पका देंगे थोड़ी देर के लिए। अब हमें तोरियों को ज़्यादा टाइम पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी पक गई हैं। अब इसमें हल्की सी अगर आपके पास है तो थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दीजिए। कसूरी मेथी का फ्लेवर हर सब्ज़ी में एक अलग ही स्वाद लाता है, तो इसीलिए कसूरी मेथी अगर आपके पास है तो यूज ज़रूर कीजिए। अब इनको चलाते हुए थोड़ी देर तक पकने देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया हमारी सब्ज़ी पर, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर में। आई होप आप सभी को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। एक बार ट्राई कीजिए, बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। थैंक यू सो मच गाइज़।